ईशा की मम्मी ने रिसेंटली अभी एक बोला था कि वो चाहेंगी कि एक लीगल केस हो अभिषेक के ऊपर। टीवी पर भी बोला, मतलब शो में भी ये बात बोली कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई ये बात। तो अब जब वो शो से बाहर आएगी तो उससे डिस्कस करते हैं, जो भी रिजल्ट सामने आएगा। सेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं कि एकदम से आप किसी से लड़ ही लें। हाँ जी, आप उससे कम बात करके या बात नहीं करके भी अपना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। बार बार कहते हैं कि ईशा और मेरे ब्रेकअप में ईशा की मम्मी का बहुत इन्वॉल्वमेंट था। रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि जो स्लैप की वो बात करती है कि उनको आंख के नीचे प्रॉब्लम हो गई थी, रेड हो गया था, वो स्लैप एक्चुअली ईशा की मम्मी ने उनको मारा था। ये नहीं, जहाँ तक ईशा की मॉम को ब्लेम करने की बात है तो मुझे पूरा पता है कि ईशा की मॉम की साइड से ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि कोई स्लैपिंग या उसने किसी को मारा हो, बिकॉज हमारे घर में ऐसे कोई संस्कार दिए नहीं गए। हमारी इंडियन वैल्यूज को लेके चल रहे हैं हम। ये शो का फॉर्मेट है, यदि वो झगड़ रहे हैं तो अलग बात है। जहाँ तक ईशा को समझाने की या इस मैटर पे बात करने की बात है तो जो भी बातें शॉर्ट आउट होंगी उसके आने के बाद उस पर हम लीगल एक्शन लेना नहीं लेना वो बात करेंगे। अभिषेक बोल रहा था कि ईशा ऐसी ही है, ईशा बाहर आके ना शायद समर्थ को भी छोड़ दे अगर वो करियर वाइज उस लेवल में उसके लेवल में नहीं पहुंच पाया। तो जिंदगी में ये आपका डिसीजन होगा कि आप किसके साथ दोस्ती रखना चाह रहे हैं। ऐसा यदि उसको ऐसा लगता है उसको किसी दोस्ती रखना है तो वो रखेगी। हम कौन होते हैं, हम उसके जिंदगी के आगे के डिसीजन जो है हमें लग रहा है कि उसमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए तो बिल्कुल इन्वॉल्व होकर उसको सजेशन देंगे, फॉलो करेगी। If there's one contestant inside the Big Boss 17 house who's playing the game with all her enthusiasm, well, then that has to be Isha Malviya. And today at Galata, India, her father joins us for an exclusive conversation. Hi, sir. Kaise aap? I'm good. You know, sir, starting from her journey, Isha ki jo rahi hai abhi tak, Salman ne unko bahut appreciate kiya tha ek weekend ke baar pe. And that is how we all feel about her, ki unki journey bahut incredible rahi hai because it's very difficult to stay inside the house with your boyfriend and your ex jinke sath aap good terms mein nahi the. To jab unki aur Abhishek ki aisi big ugly fights hoti hai jo hum bahar se dekhte hain, humko hi lagta hai ki yaar ye kya ho raha hai, why are they behaving like that, to aap as her parent aapko kaisa feel hota hai, especially jo abhi recently ek bahut bada slap incident hua uske baad. Dekhiye, fighting to kabhi bhi kisi ko bhi achhi nahi lagti. Main kya, aap bhi yadi ek family se belong kar rahe hain aur ये तो नेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो सब देख रहे हैं, आपके घर में भी किसी बच्चे की किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, बचपन में भी स्कूल में यदि आपका भी हुआ हो तो पेरेंट्स को बुरा लगता है। तो ये तो इस लेवल पर है, मुझे ही नहीं उनके पेरेंट्स को भी बुरा लगता होगा इस तरह से झगड़ना, वो अपने बच्चे को देखते होंगे तो डेफिनेटली ये झगड़ा। लेकिन शो फॉर्मेट उस टाइप का है कि एक दूसरे से बात करने में थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं। हाँ जी, ईशा की मम्मी ने रिसेंटली अभी एक बोला था कि वो चाहेंगी कि एक लीगल केस हो अभिषेक के ऊपर और लीगली हम एक्शन ले, आपका क्या स्टैंड है उसके ऊपर? इसमें केवल मैं अभी, क्योंकि ये पूरी बातें अभी क्लियर नहीं है, शो में ही हमको पता चला कि ईशा ने ये ऐसी बात बोली थी और उसने टीवी पर भी बोला, मतलब शो में भी ये बात बोली कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई ये बात। तो अब जब वो शो से बाहर आएगी तो उससे डिस्कस करते हैं, जो भी रिजल्ट सामने आएगा। एज ईशा फादर, आपको सर ये नहीं लगता कि ईशा को अब काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, अभिषेक से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो एंटर की थी और हमें जब सुनने में आया था कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, स्लैप, उनको थप्पड़ मारा गया था, वो फिजिकली वायलेंट थे अभिषेक उनके साथ, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो एज अ वुमन मुझे ऐसा लगता था कि ईशा को तो देखना ही नहीं चाहिए अभिषेक की तरफ, बट आप एक सेम घर पर रहते हो तो कभी कभी बात हो जाती है, जिस कारण समर्थ भी काफ़ी टाइम गुस्सा हो जाता है ईशा से कि तू क्यों बात कर रही है उससे, तो आपका क्या टेक है इसमें कि ईशा को पूरा ही एक डिस्टेंस मेंटेन करना? देखिए, आपको एक बात बताऊं, जो आपने सवाल पूछा वो बिल्कुल, घर में इतने लोग हैं एक दूसरे से, मतलब पूरी दुनिया नहीं, 15-17 लोग हैं, अब तो 9 लोग बचे हैं शायद, 9 या 10 लोग बचे हैं। अब कितनी देर आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन होता है ना कि कई बार बात हो जाती है, लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आपसे कोई तकलीफ है तो मैं बात कम कर सकता हूँ, उसमें कोई गलत बात नहीं। यदि मैं आपसे कम बात करना चाहूँ तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मुझसे जबरदस्ती बात करो, मैं आपसे काम की बात भी कर सकता हूँ, इतना हो सकता है। डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं कि एकदम से आप किसी से लड़ ही लें। हाँ जी, आप उससे कम बात करके या बात नहीं करके भी अपना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं।
घर के अंदर अब क्या हो रहा है कि फैमिलीज को भी इन्वॉल्व करके बहुत कुछ बोला जा रहा है। जैसे अभिषेक बार बार कहते हैं कि ईशा और मेरे ब्रेकअप में ईशा की मम्मी का बहुत इन्वॉल्वमेंट था। रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि जो स्लैप की वो बात करती है कि उनको आँख के नीचे प्रॉब्लम हो गई थी, रेड हो गया था, वो स्लैप एक्चुअली ईशा की मम्मी ने उनको मारा था, ये भी बात आ रही है कि उदारिया के सेट पे उन्होंने जाके ये सब बोला है। तो जब आप अपने घर वालों के बारे में ये सब सुन रहे हैं बाहर से एज समवन जिनकी बेटी अंदर है, आपको कैसा फील होता है? और अगर आप उस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहें, क्योंकि ईशा की मॉम को भी ब्लेम किया गया है। नहीं, जहाँ तक ईशा की मॉम को ब्लेम करने की बात है तो मुझे पूरा पता है कि ईशा की मॉम की साइड से ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि कोई स्लैपिंग या उसने किसी को मारा हो, बिकॉज हमारे घर में ऐसे कोई संस्कार दिए नहीं गए। हमारी इंडियन वैल्यूज को लेके चल रहे हैं हम। ये शो का फॉर्मेट है, यदि वो झगड़ रहे हैं तो एक अलग बात है। जहाँ तक ईशा को समझाने की या इस मैटर पर बात करने की बात है तो जो भी बातें शॉर्ट आउट होंगी उसके आने के बाद उस पर हम लीगल एक्शन लेना नहीं लेना वो बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने ईशा समर्थ का वो पूरा इंसिडेंट हुआ था अभिषेक के साथ स्लैप वाला, उसमें ये बोला था कि ईशा अभिषेक बहुत पोक कर रहे थे अभिषेक को। देखिए, स्लैप तो गलत है, ये तो हम सब एडमिट करें। इनफैक्ट बहुत अनफेयर है कि अभिषेक वापस चले गए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रूल ब्रेक किया है उन्होंने और अब वो फिर से घर के अंदर है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बट आई डोंट नो, मे बी सलमान मेकर्स उन्होंने सोचा उनको एक चांस देते हैं, जो कि फॉर श्योर गलत है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगी कि जो पोकिंग के टाइम पे वो लोग उसकी मेंटल हेल्थ पे एक अटैक कर रहे थे कि तू मेंटल है या जो भी है, वो सब बोलना बहुत इनसेंसिटिव लगा मुझे एज अ व्यूअर। तो आप जब वो देख रहे थे या आप जब अभी अंदर गए थे, आपने कुछ एक्सप्लेन किया ईशा समर्थ को उस बारे में कि इतना पर्सनल नहीं जाना है? ईशा मेरी बेटी है, मैं उससे मिलने आया हूँ और मुझे जो भी उसको मैसेज देना था वो मैंने उसको दिया। आप बिग बॉस का जो एपिसोड है वो देखेंगे तो बिग बॉस को यदि ठीक लगेगा कि मैंने उसे कोई मैसेज कन्वे किया, दिखाना चाहिए तो बिग बॉस उसे दिखाएंगे, आपको पता चलेगा मैंने उससे क्या बोला। फैंटास्टिक। लास्टली एक लास्ट खाली क्वेश्चन कि एक रीसेंट अभी एपिसोड में अभिषेक बोल रहा था कि ईशा ऐसी है, ईशा बाहर आके ना शायद समर्थ को भी छोड़ दे अगर वो करियर वाइज उस लेवल में उसके लेवल में नहीं पहुंच पाया। आप किसी के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जो ऑफकोर्स जब मैं अभिषेक के पेरेंट्स से बात करूंगी उनसे भी पूछूंगी, आई थिंक दैट्स वेरी अनफेयर, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि ये लड़की सिर्फ करियर देख के अपने बॉयफ्रेंड बनाती है। तो एज समवन जो बाहर से ये सब देख रहे हैं अपनी बेटी के बारे में, व्हाट वाज योर स्टैंड ऑन दैट? आप भी एक महिला हैं, लड़की हैं, आपके भी जीवन बहुत जर्नी होगी आपकी अपनी, बिल्कुल जितनी भी एज है आपकी, है ना, क्योंकि महिलाओं की एज जस्टिफाई पुरुष तो कर नहीं सकते, लेकिन आपकी जितनी भी जर्नी होगी, आपके भी अपने दोस्त बने होंगे स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ आज आप काम कर रहे, वो सब दोस्त आज आपके साथ हैं क्या? पूरे नहीं, उसमें से कुछ अच्छे दोस्त होंगे जो आज भी आपके साथ होंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जिंदगी में ये आपका डिसीजन होगा कि आप किसके साथ दोस्ती रखना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई यदि उसको ऐसा लगता है उसको किसी दोस्ती रखना है तो वो रखेगी। हम कौन होते हैं? हम उसके जिंदगी के आगे के डिसीजन जो है, हमें लग रहा है कि उसमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए तो बिल्कुल इन्वॉल्व होकर उसको सजेशन देंगे, फॉलो करेगी। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई एम आशीष मालविया, ईशा मालविया फादर, और आप मुझे देख रहे हैं गलाटा इंडिया। प्लीज बिग बॉस 17 में मेरी बेटी ईशा है, उसे सपोर्ट करें, वोट करें और उसे विनर बनाएं।